नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजल समाचार। अभी हम हैं फुर्जगढ़ प्रखंड के आरजेडी कार्यालय में और यहीं पे हैं लखीसराय जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भगवान यादव जी। और इनसे हम जानना चाहेंगे आज कि कल जो मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का एक तरह से चलाया गया था और जगह जगह पे बिहार बंद और सड़क बाधित भी रहा, इसी पे इनसे जानते हैं कि वो कल के बिहार बंद को ये राजद पार्टी में रहते हुए और लखीसराय जिला के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए किस रूप में देखते हैं कल के बिहार बंद को। धन्यवाद स्वजन समाचार मीडिया। कल जो बिहार बंद का आह्वान एक विशेष मुद्दा को लेकर किया गया, खासकर मनीष कश्यप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या यूट्यूबर हैं, हमको नहीं लगता कि देश कहां जा रहा है। लोकतंत्र के चार मूलभूत स्तंभ न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और सबसे मजबूत स्तंभ की स्थिति में भी देखा जाए तो पत्रकारिता है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रिंट मीडिया से रखना कटाते हैं तो सबके हाथ में मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सुनते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो वैसे भी मनीष कश्यप के आह्वान पर जो बिहार बंद की घोषणा की गई, वह पत्रकारिता, स्वच्छ पत्रकारिता पर एक दागदमा थपा, इसलिए कि इधर चंद दिनों से देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप ललकार रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, ललकार रहे हैं यहाँ के महागठबंधन सरकार को। तो आखिर उसको पत्रकार के रूप में कैसे स्वीकार किया, वह तो एक राजनीति में रहने वाला आदमी है, वह चुनाव ही लड़ा है और चुनाव लड़ने वाला निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर सकता, वह किसी किसी दल से बंधा हुआ है और खासकर जो मूल विधानसभा में सवाल उठाने वाले नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी अब बिना सिरपैर की बात करते हैं, उतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उनको अच्छी तरह से ये जांच परख लेनी चाहिए कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर आक्रमण हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। तो मैं एक पत्रकार, वह भी मनीष कश्यप, मैं नहीं कहता, प्रशासन सिद्ध कर चुका है, पुलिस भी सिद्ध कर चुका है कि यह जो है अपना होम वीडियो बना करके वायरल किया, क्यों अपना बिहार में अपने घर पर या किसी स्थान पर कुछ अपने साथियों के द्वारा कि तमिलनाडु में ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्टालिन की सरकार जो है वह जरा भी नहीं, और इधर जो है केक खाने के लिए तेजस्वी जी जाते हैं। हम उस पत्रकार पर विश्वास करें कि हमारे जमीन बिहार से भी बहुत आईएएस आईपीएस वहां है जो कार्यरत हैं और सभी जाति धर्म के लोग वहां जो आईएएस आईपीएस हैं, हम उनकी बात जो ऑथेंटिक है, जो पद पर है, जो देश के गरिमा जिस पर है, गौरव है आईएएस आईपीएस पर, देश में चुन कर जाता है, उस पर विश्वास नहीं कर हम मनीष कश्यप पर विश्वास करें कि तमिलनाडु में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, बिहारियों को मारा जा रहा है। अच्छा, तो क्या सर मनीष कश्यप को एज ए पत्रकार आप मान रहे हैं या एक नेता, उभरते हुए नेता के रूप में देख रहे हैं? नहीं नहीं, उभरते हुए नेता नहीं, इसको जो है अभी के खास करके देखिए, इसमें तिलगी लगी है, कुछ लोगों को तिलगी, जातीय जनगणना की बात जब से शुरू हुई
और इसको स्टेप दर स्टेप जो आगे बढ़ाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा, तो उन लोगों को तिलगी लगी हुई है कि भाई जातीय जनगणना अगर करा लेते हैं तो सही में जो है वो 85 और 15 की बात हो जाएगी, जो संविधान कहता है उसके अनुसार फिर जो है आरक्षण व्यवस्था होगा। अच्छा सर, एक चीज और कि कल जो RJJP के द्वारा पूरे बिहार में घोषणा किया गया, तो क्या आखिर बिहार में अन्य मानले राजनीतिक पार्टियां हैं लेकिन RJJP के द्वारा ही बिहार बंद की घोषणा क्यों किया गया? राष्ट्रीय जनजन पार्टी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कौन है मुख्य? आशुतोष कुछ करके हैं, हो सकता है स्थानीय पार्टी है, उनकी तो चर्चा हम कभी नहीं सुने हैं, ऐसे किसी उनके तरफ से कोई विधायक भी नहीं देखते हैं, कोई MP विधायक नजर आता है क्या, तो हम कैसे माने? हाँ, एक जातीय संगठन हो सकता है, बहुत सा बरमेसी समाज के लोग हैं और बहुत सा लोग हैं। तो कल के बंदी को सर क्या किस रूप में देख रहे हैं, कि पत्रकार के द्वारा बंदी किया गया था या एक विशेष जाति समुदाय के द्वारा बंद किया गया था या एक विशेष पार्टी के आह्वान पे बंद हुआ? देखिए, एक बात तो है कि यह जातीय समीकरण अभी खास करके मोदी मीडिया वाले का लहर ज्यादा है, जब भी वो चुनाव आसन्न 24 को है लोकसभा का और यह षड्यंत्र शुरू अभी से कर दिया है, जो गोदी मीडिया वाला है जैसे मनीष कश्यप जी का यूट्यूबर, साधारण यूट्यूबर, ये अपराधी है, जानते हैं तमिलनाडु में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा है, बिहार में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमा है। किस पे? मनीष कश्यप पर। अरे कश्मीरी मुद्दा को लेकर कश्मीरी व्यापारियों को यही ना मारा था 2-3 साथी मिल करके, जो इस पर इसको पकड़ करके जेली तो जेल भी गया है, अब इस पर भरोसा करे लोग, और वह भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो है हम लोग समाजवादी हैं, ये एक दल मोदी को लेकर के चलते हैं, तीन लोगों को जो है मोदी अभिन्न हो गया है तो अब नहीं सूझता है, वही खाली मोदी सूझते हैं, तो मोदी को कैसे 24 में लाया जाए इसके लिए पहले से भाजपा वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, और इस षड्यंत्रकारी में से मनीष कश्यप भी हैं, इनके स्वजातीय लोग भी हैं, क्योंकि उभरता हुआ उस जाति में अभी थोड़ा सा इसमें जो है देखा गया है बड़ी एक्टिविटी और उछल कूद करके पत्रकारिता करना और कुछ तो इसमें दमखम है नहीं। अरे कहां सर, दूसरा चीज ये है कि आखिर तेजस्वी कुमार को बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और खास करके उनको ललकारना और हमेशा बीच-बीच में कि एक तरफ मैं इंजीनियर का स्टूडेंट और एक तरफ नौवीं फेल, इस पे सर आप क्या कहेंगे? कौन है इंजीनियर स्टूडेंट? मनीष इंजीनियर स्टूडेंट है, अपने आप को तो वो दावा कर रहे हैं। बहुत सारा इंजीनियर है तो क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और वही एक सभी समुदाय तो अपने आप को किस रूप में महान समझते हैं, कहाँ तेजस्वी, कहाँ राजा भोज, कहाँ ही मनीष कश्यप, अधना सा आदमी गबू तेली, तो क्या ललकारेगा तेजस्वी? तेजस्वी है, उसके साथ सारा बिहार का जनमानस है, भले ही 4-5% लोग माने इस बात को या अगला गंगा अपना बहा ले। अभी जो आपका हुआ ये कि जो गंगू तेली, तो सच में तो वो कह रहा है कि हमें गरीब का बेटा है, ये भी तो कह रहा है। तो गरीब का बेटा है तो मैं ये कहां कह रहा हूँ कि गरीबी जो है वो बहुत बुरा है, हमें लिए तो हम लोग भी गरीब हैं, गरीब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन स्तर होनी चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए, यह नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य, ठीक है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच लड़ाई होती है तो पढ़े लिखे लोग यह सोचते हैं ना कि दो राज्य के मुख्यमंत्री या दो राज्य के बीच किसी तरह की विवाद होती है उसको कौन सुलझाता है, संविधान में लिखा हुआ है जी इसको सुलझाने के लिए केंद्र हस्तक्षेप करता है, तो अमित शाह जी कहाँ केंद्र हस्तक्षेप करते, मोदी जी कहाँ है, गृह मंत्री कहाँ है,
उन पर क्यों नहीं कटाक्ष हुआ जो तेजस्वी? आखिर जो सब अभी जो दिख रहा है पूरे भारत में कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो उभर करके आ रहा है और आज के डेट में हर जाति का संगठन हर जाति का नेता, क्या इसका असर जातीय गणना तो नहीं? देखिए, सब लोग का अपना इतिहास अपने जाति पर सबको गौरव, लेकिन कुछ लोग हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कुछ लोग हैं कि अपने खाओ अपने गाओ अपने गिरो। क्योंकि मोदी जी का जो है परिपाटी तो यही है, तमाम जगह जो है रेल बेचो जहाज बेचो है, वो जो है तमाम विजय माल्या से लेकर के अडानी अंबानी तक की ही बात वहीं तक सीमित रहती है। गुजराती की बात जाती है समूचे देश को जो है गिरवी रख रहा है बेच रहा है, उसका गुणगान करने वाले ये लोग हैं। इन लोगों का वहाँ स्थान सुरक्षित है, पैसा तो वो देता होगा, दो कौड़ी पर ही लोग दिखने वाले हैं। इनमें लोकतांत्रिक और निष्पक्षता कहाँ से आएगी? ये बरगलाते हैं लोगों को और उनके समर्थक जो है सोचता होगा कि हमसे भी एक नेता निकल जाए। तो नेता तो और लोग भी हैं उस जाति में, लेकिन है समाजवादी है, सबके लिए भला सोचने वाले हैं, उनका भी मान सम्मान है। आई अपने आप को काजस से रहस्यार से भी गया बीता, ये क्या बोलेंगे ये मनीष कश्यप? ये तो उनके स्वजातीय लोगों का एक जमात था जो कल बिहार बंद करके अपराधियों के को संरक्षण दिलाने के लिए, ये पत्रकार अपराधी पत्रकार मोदी मोदी मीडिया को संरक्षण के लिए अपना केस हल्का करने के लिए यह जो है मजमा लगा के जाम कर रहा था। तो क्या ऐसा मान लीजिए आप, ऐसा तो नहीं कि सभी पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं और मोदी मीडिया और मोदी मीडिया का? नहीं नहीं, देखिए पत्रकार दो तरह के, एक तो मोदी मीडिया है, लाख आप बात कर रहे हैं बहुजन की पिछड़ों की अति पिछड़ों की दल दलितों की अल्पसंख्यकों की, लेकिन हमारे जो समाज सेवी मीडिया है जिसे हम लोग बहुजन मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को देखिए कितना बढ़िया से काम सच्चाई को सही रख रहा है, षड्यंत्र करके कोई काम नहीं कर रहा है, किसी का गुणगान नहीं कर रहा है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आप सही कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो सही है, लेकिन नहीं, वो गलत भी करे तो उसी का ही गुणगान करे और उसी को ही वह जो है तवज्जो दे, यही उनका काम है। तो मोदी मोदी मीडिया अलग है और इधर जो है अन्य मीडिया भी है जिनके बल पर हम लोग भी चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। उन्हीं का मीडिया जो है समूचे देश में सिर्फ काम नहीं करेगा, अपनी बात वो अपना स्वयं अपनी बात रखते हैं, हमारी बातों को तो दबा दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखीसराय जिला के राजद के कार्यकारी अध्यक्ष अपने कार्यालय फूर्जगढ़ा से भगवान यादव। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मीडिया दो प्रकार के हैं और मनीष कुमार कश्यप के समर्थन में जो कल बिहार बंदी का ऐलान हुआ और बिहार बंदी के कार्यक्रम को रखा गया, वह एक तरह से कहा जाए कि प्रोपेगेंडा था, सिर्फ एक विशेष जाति के द्वारा और कुछ नहीं। बने रहे पदर समाचार के साथ। नमस्कार।